मैं तो कुछ नहीं मतलब इतने बड़े माशाल्लाह हमारे स्वर ग्राम और दिल बैठे हुए हैं गायक बायक प्रोफेसर अब्दुल पीएचडी माशाल्लाह बैठे हुए हैं तो आप बड़ी मेहरबानी। तो सर ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है 14 अगस्त के हवाले से, नसर में एक कॉलम है जो कि ब्लूमिंग स्टार एक मैगजीन है जी इंटरनेशनल, उसमें ये शाया हुआ है। तो यौमे आज़ादी पाकिस्तान विशेषकर आज़ादी कहने में तो एक सादा सा लफ्ज है लेकिन ये अपने आप में बड़ी गहराई भरी बैठा है। इसका बेहतर मफहूम समझने के लिए हमें ज़हनी तौर पर 1940 में जाना पड़ेगा। 23 मार्च 1940 को कांडा थे कि अगर पाकिस्तान का पहला कदम था पर सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाए जाने के लिए अजीम कुर्बानियाँ तहरीक पाकिस्तान के दौरान बने सगीर के कोने कोने में फलश का नारे पूजा करते थे पाकिस्तान का मतलब क्या और लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। ये नारे बने सगीर के मुसलमानों के दिली जज्बात के हकीकी अक्कास थे। कारण आज़ादी अल्लाह पाक की तरफ से दी गई नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है और गुलामी हर इंसान के मिजाज और फितरत के बिल्कुल बरअक्स है। दुनिया जब से मारज़े वजूद में आई बड़े बड़े बादशाह और हाकिमे वक्त ऐसे आए जिन्होंने चाहा कि इंसानों को अपना गुलाम बनाए लेकिन वो नाकाम और नामराद लौट गए। कोई ताकत नहीं वही सबसे ज्यादा ताकतवर वही सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला और सबसे बड़ा मेहरबान है। वही बादशाह बना देता है वही फकीर कर देता है वही खलील बना देता है वही जलील कर देता है। वो जिसे चाहे आसमानों पर जिंदा उठा देता है और जिसे जब चाहे मुर्दा बना देता है। वो जब चाहे जिसकी चाहे झोलियां कर दे जिसे जब चाहे कंगाल कर दे। इंसान उसी की बंदगी और गुलामी के लिए तकलीफ किया गया है उसी के लिए सारी तरीके हैं। कारण आजादी ऐसे ही झोली में नहीं डालते थे इसके लिए लाखों कीमती जानों का नजराना दिया गया। उसके बाद 14 अगस्त 1947 का सूरज बड़े शरीर के मुसलमानों के लिए आजादी की खुशखबरी लेकर तलू हुआ। आज बड़े शरीर के मुसलमानों को न सिर्फ सफाक और जालिम अंग्रेजों से बल्कि इंतहाई मुतासब हिंदुओं से की गुलामी से भी हमेशा के लिए निजात मिल गई थी। कायदे आजम ने एक तारीखी जुमला कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन कायम हो गया था जब बड़े शरीर में पहला शख्स मुसलमान हुआ। अब हम सब का फर्ज है कि हम सब एक हो जाए एक दूसरे का हाथ थाम दे अपने मुल्क के इस्तेहकाम और बका के लिए पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली हर साजिश गलत अजायम और नापाक मनसूबे बनाने वालों के इरादों को खात्मे में मिला इंशाल्लाह। ये हम सबका प्यारा है पाकिस्तान हमारा है। आइए सब मिलकर रहते हैं जो इस्लाम का पसंदीदा है वो मुआशरा कायम करने में अपना मुस्तफ रोल अदा करे। आइए अलामा इकबाल रहमतुल्लाह कादे आजम मोहम्मद अली जिन्ना समेत तहरीकी पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं और कारकुनों के खातों की असल तहरीर बन जाए और उन सब को खराज तहसीन पेश करें जिनकी जानों के नजरानों और अंतिम काशों से ये अर्ज मुकदस वजूद में आई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अकीदत के लिए दुआ शाह ये मेरे वतन की अकीदत ने ये प्यार तुझ पे निसार कर दो मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दो। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे खिजा से तुझको बचा के रखूँ बहार तुझ पे निसार कर दो। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो उससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश उससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश कि एक जान का हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दो।